हरेक वह प्राणी भागा हों जिन्हों सचखंड श्री हरिमंदर साहब दर्शन करने का मौका मिले गुरु ने मौका बख्शा है तो असं गुरु के चरणों में अरदास करांगे सर्वाधे भले लिए अरदास करांगे। मुख्यमंत्री साहब वालों जी गल कही गई है कि जिहड़ियां 75 साल उलझना उन्हां दा सिरा लभण वास्ते कुछ तो टाइम लगेगा। पंजाब विधानसभा चोणां तो पहलां आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे विच बहुत सारियां गरंटियां लोकां नूं दित्तियां सी, पर हुण सरकार बनण तों बाद जदों पत्रकारां वल्लों इन्हां गरंटियां बारे आम आदमी पार्टी दे लीडरां नूं सवाल पुछे जा रहे ने तां हुण आप दे लीडर मीडिया तों पल्ला छुड़ा के खिसकदे नज़र आ रहे ने। सचखंड श्री दरबार साहिब पहुंचे पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि पंजाब दे लोकां नूं पंजाब दे विकास लई थोड़ा इंतजार करना पवेगा क्योंकि 75 सालां दीआं उलझणां दा सिरा लभण विच कुछ समां जरूर लग रहा है। नाल ही संधवा ने कहा है कि पंजाब विच औरतां नूं 1000 रुपया प्रति महीना देण लई खजाना भरना पवेगा, पर अजे तक खजाना एकदम खाली है, इसलिए वह कुछ भी कह नहीं सकते। ये तो गुरु ने कृपा की है जी, हरेक वह प्राणी भागा हों जिन्हों सचखंड श्री हरिमंदर साहब दर्शन करने का मौका मिले गुरु ने मौका बख्शा है तो असं गुरु के चरणों में अरदास करांगे सर्वाधे भले लिए अरदास करांगे। सर पंजाब के लोगों के जो सवाल ने वो कितने कितने खड़े ने, 2 महीने हो चुके हैं, लोग काफ़ी उम्मीदा लगा के बैठे, पूरी नहीं हुई अभी तक, बड़ी बिजली के मुद्दे ने होर भी लटना मुद्दे। देखो जी सरकार नाल मैं लगातार डायलॉग रहना जी ये बारे और मुख्यमंत्री साहब वालों जी गल कही गई है कि जिहड़ियां 75 साल उलझना उन्हां दा सिरा लभण वास्ते कुछ तो टाइम लगेगा और पंजाब के लोग मेरे ख्याल इस गल्लां सहमत भी है। सर नशे वास्ते खत्म करने वास्ते कुछ खास किया वा, जिस तरह उपराला किया गया कि हर पासे परचे दर्ज किए जाने ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ। ਸਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਥੱਲਾ ਲੱਗ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ।